ओके तो कार्ल मार्क्स का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला चीज हमें समझना है, वो है उसका मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन। ठीक है, मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन। इस मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन को समझने के लिए दो तीन चीजें इसकी रिलेटेड है जो तुमको समझना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डायलेक्टिक, हिस्टोरिकल, मटेरियलिज्म। तीनों वर्ड मैं एक साथ यूज कर रहा हूं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका मतलब है। तो डायलेक्टिक्स का क्या मतलब होता है? डायलेक्टिक एक तरीका है चेंज को एक्सप्लेन करने का, जिसमें कि हम लोग क्या दिखाते हैं कि कोई एक थॉट प्रोसेस है या कोई एक चीज है, उसका एक काउंटर थ्योरी है या काउंटर चीज है, दोनों के इंटरेक्शन से एक नई रियलिटी आती है, एक नया सिंक्रेटिक अप्रोच आता है, और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली फिर जो नया रियलिटी आता है उसका काउंटर रियलिटी उसी सिस्टम में बिल्ड होता है, फिर वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं और फिर क्या होता है, एक नई रियलिटी आती है। तो डायलेक्टिक्स करने का क्या मतलब हो गया कि हमेशा थ्योरी और काउंटर थ्योरी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, हमेशा जो रियलिटी है उसका काउंटर नैरेटिव भी पैरेलल में बनता चलेगा। ठीक है, और ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही थ्योरी एक कल्मिनेट हो जाएगा, हमेशा एक थ्योरी चला उसका काउंटर थ्योरी आया, उससे एक नया थ्योरी आया, फिर उसका काउंटर थ्योरी आया, फिर एक नया थ्योरी आएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज होता है। तो डायलेक्टिक इज वन ऑफ द वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज, जहां की हमेशा क्या होता है, टू काउंटर अपोजिशन आर देयर, उनके सिंक्रेटिक अप्रोच से एक नया रियलिटी आता है। ठीक है, हीगल ने इस अप्रोच को आइडियाज के टर्म्स में देखा था कि आइडिया नंबर वन, उसका काउंटर आइडिया, आइडिया नंबर वन का डैश, उससे आइडिया नंबर टू निकला, फिर आइडिया नंबर टू का डैश, फिर आइडिया नंबर थ्री निकला, फिर आइडिया नंबर थ्री का डैश, और इस तरह से काउंटर चेंज। तो जैसे यहां पर सोसाइटी ने क्या हुआ, चेंज लाया, और वो चेंज क्यों आया, क्योंकि दो कॉन्फ्लिक्टरी आइडियाज के इंटरेक्शन से आया। ऐसा हीगल इसलिए मान के चल रहा था क्योंकि उसके हिसाब से आइडियाज वर रियल, और रियल वर्ल्ड जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, इट इज सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो उसका ऐसा मानना था कि क्या होगा फिलोसफिकल सेंस में, कि दो आइडियाज, अगर सोसाइटी में मान लो कोई चेंज लाना है तो पहले आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बाद जिस उस आइडिया को जो लोग बिलीव करेंगे वो लोग चेंज लाएंगे, और फिर उसका वैसा मटेरियल प्रोजेक्शन होगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने में थिंकर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज दे कंसीव द आइडिया कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी या फ्यूडल अथॉरिटी जो है वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, उसका एक काउंटर नैरेटिव सेट हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जहां की डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, दोनों का इंटरेक्शन हुआ और हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं पहले आइडिया आया, उसका इंटरेक्शन हुआ, और उस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सही है इंटरप्रिटेशन, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि थिंकर्स ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग चेंज। क्यों? क्योंकि पहले आइडियाज आएगा, उसका काउंटर आइडिया आएगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट से नया आइडिया आएगा, और उसका रियल प्रोजेक्शन होगा मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, सो दिस वाज हीगल्स कॉन्सेप्ट। लेकिन मार्क्स जो है आइडियाज के वर्ल्ड में नहीं रहता है, मार्क्स जो है मटेरियल वर्ल्ड में रहता है, मटेरियलिस्टिक है, उसके हिसाब से मटेरियल रियलिटी इज द ट्रू रियलिटी। बल्कि वो ये भी बिलीव करता है कि तुम जहां पर हो तुम वैसा सोचते हो, योर आइडियाज आर गवर्न्ड बाय योर पोजीशन, योर बीइंग डिसाइड्स कि तुम क्या सोचते हो। इस चीज को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि मान लो अगर रोड पर, मैंने एक्सप्लेन किया है जैसे तुम लोगों कि मान लो तुम जब रोड पर पैदल चलते हो और कोई गाड़ी पीछे से हॉर्न कर रहा है और तुमको बहुत गुस्सा आता है, रोड क्या तुम्हारे बाप का है, रोड पैदल चलने वालों का नहीं है, तुम ये सोचते हो। लेकिन सेम जब तुम कैब में होते हो और कोई इस तरह से रोड क्रॉस करता है, पैदल क्रॉस करता है, तो तुम्हें गुस्सा आता है कि रोड जो है रोड गाड़ी के लिए बना है, तुमको समझ में नहीं आता है कि इसको क्रॉस नहीं करना है, राइट? तो तुम कहां पर हो उससे डिसाइड होता है कि तुम क्या सोचते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है, तो इसी सेंस में वो मटीरियलिस्टिक है। तो डायलेक्टिक अप्रोच, हालांकि मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ,
कार्ल मार्क्स भी मटेरियलिस्ट डायलेक्टिक अप्रोच अपनाएगा, यानी उसके हिसाब से क्या होगा, एक मटेरियल रियलिटी है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से मटेरियल रियलिटी वन है और उसका एम वन डैश आएगा, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा और एम टू बनेगा, फिर एम टू और एम टू डैश आएगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट से एम थ्री बनेगा। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी में वो आइडियाज के सेंस में नहीं होगा, वो रियल मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये ज्यादा तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम लोग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो इस सेंस में डायलेक्टिक इसका अप्रोच है। इसके डायलेक्टिक अप्रोच का एक और खासियत है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ऑर्थोजेनेटिक है, इनबिल्ट है सिस्टम में। तो मार्क्स की जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का सीड जो होता है, हर सोसाइटी जो नई सोसाइटी फॉर्म होती है उसमें उसका डिमोलिशन का सीड खुद ब खुद इनबिल्ट होता है, ठीक है, समझना है। तो ये भी उसका पार्ट है। ओके, अब हम आते हैं हिस्टोरिकल। व्हाई हिज मटेरियलिज्म इज हिस्टोरिकल, सिंपली बिकॉज ही हैज टेकन ए इवोल्यूशनरी अप्रोच। वो मतलब एकदम शुरुआत से स्टडी करता है और फ्यूचर तक जाता है। हिस्टोरिसिज्म डज नॉट एंड एट प्रेजेंट, उसका हिस्टोरिसिज्म फ्यूचर में भी जाता है। हिस्टोरिकल किस सेंस में है, वो पहले स्टार्ट करता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, फिर स्लेव सोसाइटी पे आता है, फिर फ्यूडल सोसाइटी पे आता है, और फिर किस पर आता है, कैपिटलिज्म और फ्यूचर है। ये फ्यूचर है कहां पे जाएगा, कम्युनिज्म या सोशलिज्म पे जाएगा। पहली बात है, जहां तुम्हारा ओरिएंटेशन फ्यूचरिस्टिक हो गया वहीं पर तुम पॉलिटिकल हो गए। तो कई बार ये भी आ सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में कि कार्ल मार्क्स का मटेरियलिज्म इज पॉलिटिकल इन नेचर, या इन जनरल मार्क्स इज पॉलिटिकल इन नेचर। तो एक तरह से मतलब ही उसके दिमाग में फ्यूचर का ऑलरेडी आइडिया बसा हुआ है, तो ही जस्ट प्लेसिंग लॉजिक्स इन अ वे कि उसका वो गोल अचीव हो जाए, उसको वो लॉजिक खो जाए। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो बैक ट्रैक कर रहा है। और ही वाज पॉलिटिकली एक्टिव भी, हम जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वगैरह जैसे जो है, दैट इज डायरेक्टली इंसाइटिंग टुवर्ड्स अ चेंज विच विल लीड टू कम्युनिज्म। तो उस सेंस में ये पॉलिटिकल है, ये समझ में आ रहा है। और हिस्टोरिकल क्यों है, क्योंकि उसने हिस्ट्री को पढ़ा है, उसने मटेरियलिज्म को हिस्ट्री में लगाया है और उसका हिस्टोरिसिज्म अगेन फ्यूचर में भी जाता है, ठीक है। ये स्टेजेस हैं उसके हिसाब से सोसाइटी के चेंज के, ठीक है, इसीलिए। और ये चेंज क्यों आया, क्योंकि मटेरियल रियलिटी में चेंज आया है, उसके हिसाब से सोसाइटी में जो चेंज आता है वो मटेरियल रियलिटी में चेंज आता है। और मोस्टली व्हाट ही मींस इज दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके हिसाब से क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस स्टेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलग था, इस स्टेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग था, इस स्टेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग था, इस स्टेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग था। केवल ये स्टेज है जहां की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, बट टिल दिस पॉइंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजिंग। सिंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजिंग, हेंस सोसाइटी इज चेंजिंग। तो मटेरियल रियलिटी ड्राइव कर रहा है एक तरह से सोशल चेंज को, मटेरियल चेंज एक तरह से ड्राइव कर रहा है सोशल चेंज को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में ये क्या है, हिस्टोरिकल है। डायलेक्टिकल किस सेंस में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, अब हम इसमें बैक ट्रैक करते हैं। मटेरियलिज्म हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि मटेरियल रियलिटी से हम लोग डील कर चुके हैं, क्योंकि वो आइडियाज के सेंस में झगड़ा नहीं हो रहा है। झगड़ा कब हो रहा है, कहता है कि फ्यूडल सोसाइटी या स्लेव सोसाइटी में क्या था, ह्यूमंस वर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको तुमने स्लेव बना रखा है, वर्क फोर्स, ह्यूमन वर्क फोर्स एक तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था। यहां पर क्या हो गया, विंड मिल्स बिकेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक जगह उसका स्टेटमेंट भी तुमने पढ़ा होगा, गिव मी विंड मिल्स, फ्यूडल सोसाइटी, स्टीम इंजन, कैपिटलिज्म, राइट। तो कहेगा कि ज्यों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
एफ वन से यहां पे एफ टू का इमर्जेंस शुरू हुआ। जैसे ही एफ वन से एफ टू का इमर्जेंस शुरू हुआ तो एफ टू में इंटरेस्टेड नए टाइप के एलीट होंगे, एलीट चेंज हो गए, समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ टू को जिन लोगों ने कैप्चर हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट पे हम नहीं कहे हैं, बट हैव्स और हैव नॉट्स के हिसाब से देखोगे तो एफ टू में जो हैव्स हैं और एफ वन के जो हैव्स हैं, अब ट्रेडिशनल लोग जो हैं, जब नया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो नए जो एलिट होंगे दे वॉन्ट की सोसाइटी हमारे साइड आ जाए, हमारे टाइप का हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनको उनका हैव नॉट चाहिए, बट पुराने एलिट छोड़ना नहीं चाहते उस चीज को, ठीक है। और इस सेंस में दोनों एलिट का कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसीलिए अभी तक सारे कॉन्फ्लिक्ट टिल दिस पॉइंट एलिट का कॉन्फ्लिक्ट है, एक एलिट दूसरे एलिट से झगड़ा करता है। इसको ऐसे सोचो कि फ्यूडल सोसाइटी में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था ट्रेडिशन का बहुत वैल्यू था, ऑनर का बहुत वैल्यू था, राइट। अब इमेजिन करो कि तुम फ्यूडल लॉर्ड हो, तुम्हारे नीचे ढेर सारे सर्फ हैं, राइट, तुम्हारे ढेर सारे सर्फ हैं, वो तुमको इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली वो सब तुम्हारे खेत में काम किए हैं और तुमसे एक पुराना बॉन्डिंग है। वहीं पे किसी ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दिया और फैक्ट्री में नया नॉर्म आया जहां के रेस्पेक्ट किस चीज का, फ्रीडम का है, वहां लोग को कोई आके बोला अरे तुम क्या ट्रेडिशन के हिसाब से कर रहे हो, तुमको जो मन में होता है वो देता है, आओ तुम हमसे नेगोशिएट करो, हम तुमको उस फ्रीडम के हिसाब से क्या करेंगे, तुमको हम जॉब देंगे, ठीक है। तो अब एज ए लॉर्ड मेरा इंटरेस्ट तो ये फैक्ट्री लगाने वाला मार के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसीलिए जो ही स्टीम इंजन आया तो जो लोग विंड मिल से काम चला रहे थे उनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करने लग गया, एलिट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। ये समझ में आना क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आना ना कि एलिट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हैव्स और हैव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, यहां तक हैव्स और हैव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। एंड अगेन सोर्स ऑफ चेंज क्या है, चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो कैपिटलिज्म, एक और चीज मैं यहां पे बताना भूल गया, हालांकि डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है बट उसने बाकी सारे फेज को स्टडी किया बट उतना ज्यादा नहीं किया, ज्यादातर उसका फोकस फ्यूडल पे रहा और उस सबसे ज्यादा जो फोकस रहा उसका कैपिटलिज्म पे रहा, क्योंकि ये उस वक्त की सोसाइटी थी जब कार्ल मार्क्स एक्टिव था। उस वक्त जो था क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो चुका था और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी विकृति था या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट था वो काफी रैम्पेंटली विजिबल था। ये उस वक्त का फेज है जबकि क्या थे, कुछ लोग ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो लोग घेटोज में रह रहे थे, लंबे टर्म समय तक काम करना पड़ रहा था, चाइल्ड लेबर था, कोई भी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, और जो लोग पैसा कमा रहे थे लोग बहुत ज्यादा कमा रहे थे और जो वर्कर्स थे वो लोग काफी दयनीय स्थिति में था। तो ये वो फेज है और उस फेज से उसने आइडिया डेराइव किया है, ठीक है। तो वो कहता है कि कैपिटलिज्म पे फोकस किया और ये बोलता है कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में कैसे ट्रांसलेशन होगा, कैपिटलिज्म पे हम लोग एक अलग से पॉइंट बना सकते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज कि उसका मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन जो है वर्ल्ड का वो क्या है, डायलेक्टिक है, हिस्टोरिकल है और मटीरियलिज्म है। इसको ऐसे समझो, उसके हिसाब से हिस्ट्री में जितने भी चेंजेस होते हैं उसका सीड इकोनॉमी में होता है, उसका सीड मटीरियलिस्टिक रियलिटी में होता है, ठीक है। और मटीरियलिस्टिक रियलिटी में चेंज आने के कारण सोसाइटी में चेंज आता है और इस चेंज को वो बहुत समय पुराने समय से फ्यूचर तक ट्रेस करता है। इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, ये उसका मेथोडोलॉजी है। इससे रिलेटेड कोई भी वर्ल्ड है बेसिकली तुमको इन्हीं चीज इन्हीं एसेंस को कैप्चर करना है। ये पॉइंट क्लियर, ठीक, इसको नहीं।